हाय गाइस, आज से हम खेलेंगे फायर ऐश। न्यू गेम लगाते क्योंकि मैं खुद पहली बार खेल रहा हूँ ये गेम। और बताओ मेरे को और कौन कौन से जीबीए गेम खेलने चाहिए, जैसे कि 3DS गेम भी खेल सकते हो गाइस, में NDS गेम भी खेल सकते हो। आप बताओ कौन से गेम खेलूँ, कमेंट में आप प्लीज़ बताओ कौन कौन से गेम खेलूँ, 3DS NDS बताओ प्लीज़। अब ये भी बताओ आपको मेरी वॉइस कैसे लगी, मैं पहली बार वॉइस ओवर वीडियो कर रहा हूँ, पहले कभी करा नहीं हूँ। मैं बस एक ही गेम खेलता हूँ, पोकेमोन गो, पर फिर सोचा चलो कोई जीबीए गेम खेलते, तो इसलिए अभी मैं फायर ऐश खेल रहा हूँ। चलो फटाफट नाम सिलेक्ट कर लेते। मैं अपना नाम रखूँगा राउडी, क्योंकि मेरे चैनल का नाम राउडी है, तो मैं भी अपना नाम राउडी ही रखूँगा। फटाफट राउडी रख लेते। ओके कर देते। ओके, मेरे को लगता है कि मेरे को पोकेमोन ओमेगा रूबी का भी गेम प्ले डालने चाहिए अच्छे से बना के, क्योंकि पहला जीबी गेम का तो डाल रहा हूँ, इसके बाद डालता पोकेमोन ओमेगा रूबी का। ओ गाइस, रुको रुको, गेम चालू हो गया। फटफट चलते हैं प्रोफेसर ओक की लैब में। गाइस अब बताना आपको मेरी वॉइस कैसी लगी, मेरे को लगता है मैं बहुत बेकार वॉइस ओवर वीडियो कर रहा हूँ, फिर भी आप बताना अगर पसंद आई तो बताना मेरी वॉइस कैसी है, क्योंकि मेरे को तो नहीं लगता है मैं अच्छी वॉइस ओवर वीडियो कर रहा हूँ। बताना अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में। चलो फटाफट अभी चलते हैं। मैं बता देता हूँ कि वॉइस ओवर वीडियो करके डालने में को थोड़ा टाइम लग सकता था, ऐसा 2 दिन लगेगा, 2 दिन में एक वीडियो आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ मतलब थोड़ा टाइम लग सकता है। मैंने गैरी से, गैरी तो टाइम पास है, हटाओ गैरी को, चलो लैब में चलते हैं फटफट पिकाचू लेने। आप ये भी बताओ आपका फेवरेट स्टार्टर पोकेमोन कौन सा है, बल्बासोर, स्क्वेटल, चारमेंडर। पिकाचू फैंस नाराज मत हो ना, पिकाचू भी अच्छा है, दूसरे भी होते मतलब दूसरे ट्रेनर के दूसरे पसंद, पिकाचू तो सबसे बेस्ट स्टार्टर है जो मैं अभी लेने वाला हूँ। फटफट पिकाचू को ले लेते। चलो पिकाचू को निकनेम मैंने दिया हूँ फायर, क्योंकि पिकाचू है एकदम पावरफुल, तो मेरे को उसका मन करा कि उसका नाम मैं दूँ फायर, मतलब मैं पिकाचू की पावर में इतना घुस गया मेरा, मेरे को पिकाचू का मन करा कि उसका नाम फायर रखूँ। क्या बोल रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। चलो फटफट गेम स्टार्ट कर दे, मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ क्या पता क्यों। फटफट पिकाचू को ले लेते हैं। पिका चू स्टार्टिंग फॉलोइंग यू, जल्दी से पोकेबॉल ले लेते हैं और एक पॉकेडेक्स ले लेते हैं, फिर चलते हैं फटफट बाहर लैब के। जल्दी से ले ले एश कैचम। हम प्रोफेसर ओक की लैब से निकल के चलते हैं बाहर, बाहर निकल के अपन चलते हैं पायलट टाउन से बाहर। चलो गाइस अपन आ गए बाहर, और मैं सोच रहा हूँ रूट 1 पे मेरे को कौन सा पोकेमोन मिलेगा इनकाउंटर करने पहला पोकेमोन। मेरे को तो लगता है कोई स्पैरो ही रहेगा, फिर भी हो सकता है कोई अलग पोकेमोन मिले, हो सकता है वो स्पैरो, हो सकता है कि स्पैरो ही रहेगा। मैंने गेम कब सेव करा यार, मैंने तो गेम को सेव ही नहीं करा, खुद ही सेव हो गया। ओके ऐश की मॉम ने अपने को दे दिए है रनिंग शूज, और इससे स्पीड इतनी बड़ी तो नहीं है, मेरे को लग रही थी बढ़ेगी कुछ खास, तो स्पीड बड़ी नहीं है, फिर भी ठीक है। अभी देख के तो कोई पकवान इनकाउंटर नहीं हुआ है, समझ समझ के जा रहे, नहीं हुआ है, नहीं आया। अरे शिट, आगे कौन है, कौन है, स्पीयर वही निकला, मेरे को लगा कोई दूसरा पकवान होगा। अरे ये क्या हो रहा है बताओ गाइस, मेरा है ना बहुत फिसल रहा है बटन से हाथ, मतलब जॉय प्ले पे मैं पहली बार खेल रहा ना, तो बटन बराबर मैं क्लिक नहीं कर पा रहा, समझ रहे हो, तो फाइट नहीं रन पे दबाने के, तो फाइट पे दब गया था। आ गए पर ये डेंसिटी में, फटफट चलते यहाँ पे, तो मेरे को पता है यहाँ पे पोकेमोन सेंटर में बकवास सी टीम रॉकेट है, अपन सीधा पोकेमोन जाएंगे और पोकेमोन जाके पोकेबॉल और पोशन बाय करेंगे। फटफट जाते हैं पोकेमार्ट में।
आ जाओ, बाय कर लेते हैं, बाय। एक काम करता हूँ, मैं पोकेबॉल बाय करता हूँ, 11 पोकेबॉल बाय कर लेता हूँ, ठीक रहेगी, क्योंकि 11 पे एक प्रीमियम बॉल मिल जाएगी मेरे को फ्री। ऊपर से यहाँ पे मेरे को प्रीमियम बॉल भी मेरे को फ्री मिली, प्रीमियम बॉल ले लेता हूँ। और बचे हुए इसकी पोशन ले लेता हूँ, दो पोशन आ रही है, फिर दो पोशन लेके फिर चलता हूँ टीम रॉकेट के पास, फिर लोग को सबक सिखाता हूँ। जल्दी से पोशन बाय कर लेता हूँ, ठीक है। चलो अब जाते हैं अपन पोकेमोन सेंटर में और टीम रॉकेट को दिखाते, अपन भी कुछ कम नहीं। फटफट चल ऐश भाई, फटफट चल टीम रॉकेट के पास। आ गए टीम रॉकेट, ये लोग के तो तुम लोग को डायलॉग पता ही रहे, बकवास से डायलॉग एकदम। बस एक ही का डायलॉग पसंद है मेरे को, म्याऊं का, छोड़ेंगे नहीं डे हो या नाइट, क्या बोलते हैं म्याऊं, बकवास कर रहे लोग। अब लोग की बकवास आ गया म्याऊं का डायलॉग, बहुत बकवास करते लोग। उन लोग से बैठ लो, नए लोग तो नल्ले लोग, उन लोग को तो ऐसे ही मार दूंगा मैं। अगेन गो फायर, मैं थंडर शॉक, शॉक से कुछ तो डैमेज नहीं हो। अरे भाई बाइट मार दिया उसने तो, कड़क वाला थंडर बोल्ट ही देना पड़ेगा। थंडर बोल्ट में तो गया, थंडर बोल्ट में पूरा, थंडर बोल्ट बहुत इफेक्टिव था, सुपर इफेक्टिव। री कॉफिंग थंडर बोल्ट, ठीक ठाक था इसको तो। फिर अभी थंडर शॉक देके भी ख़त्म करे, शिट इसने पॉइजन लगा दिया, वीजिंग ने पॉइजन कर दिया अपने को। थंडर शॉक देते इसको, वीजिंग ने तो अपने को कर ही दिया पॉइजन वैसे भी, और वैसे भी अपन पोकेमोन सेंटर में ये इफेक्ट तो हट जाएगा पॉइजन वाला। इसके लिए एंटीडोट लगती है ना गाइस, मेरे ख्याल से तो एंटीडोट ही लगती है पॉइजन हटाने के लिए, है ना, एंटीडोट लगती है ना, बताना कमेंट में, मेरे को पता नहीं ऐसे तो। फटफट अपने फायर को कर लेते हैं फुल हेल्थ, जल्दी से नर्स चॉय कर दो मेरे फायर को फुल हेल्थ, 2 मिनट लगेंगे बस। हो गया मेरा फायर फुल हेल्थ, चलो लेके चलते हैं फायर को बाहर चलते हैं, और बचे हुए पैसे का जितने भी मेरे को मतलब पैसे मिले टीम रॉकेट से लड़ गए, $450 उसका भी मैं ख़रीद लेता हूँ। पोशन, पोशन की बहुत ज़रूरत है इसलिए उसकी भी पोशन ही ख़रीद लेता हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत नल्ला हूँ, मेरे को बराबर खेलने नहीं आता है। इसकी ले लेता हूँ 2 पोशन और, हो गए 4 पोशन मेरे पास। यस ठीक है, अब चलते हैं अपन बाहर। चलो भाई वेरियडेंस सिटी, ये अंकल यहाँ पे खड़े क्यों, क्या पता क्यों, ये जिम ब्लॉक करके रखते हैं ना इसलिए खड़े रहते हैं ना, जिम ब्लॉक करके रखते अपन जा नहीं सकते इसलिए खड़े रहते ना अंकल। चलो अपन आ गए हैं, इस जगह का नाम क्या है, वेरियडियन फॉरेस्ट में आ गए अपन। अपन चले गए राइट में, पहले से बात कर लेते हैं, ये क्या बोल रहे थे, पढ़ने भी नहीं मिला। चलो गाइस वेरिडियन फॉरेस्ट को करते फटफट ख़त्म, यहाँ पे तो एक पॉकीबॉल है, शिट एक पोकेमोन आ गया, ये तो वीडल है, तो बकवास पोकेमोन है, फिर भी चलो फाइट कर लेते इससे, लेवल अप हो जाएगा मेरा। फाइट थंडर बोल दे दे, ये तो एक थंडर बोल में इतनी चल जल्दी इसकी, इसके अटैक से कुछ हुआ भी नहीं। एक और थंडर चौक है थंडर बोल में ख़त्म, ये ख़त्म, अपना थोड़ा सा लेवल अप हुआ, थोड़ा सा लेवल अप हुआ। चलो फटफट पोके बॉल में देखते क्या है, एंटी डॉट, हाँ ये इससे ही हटते हैं पॉइजन मेरे ख्याल से तो गाइस, इससे ही हटते हैं। अभी देखते आगे किसी पॉइजन वाले पोकेमोन से लड़के, देखते बीडल से आगे तो और भी पोकेमोन आने वाले, मग वगैरह वगैरह, मग से लड़े वो भी पॉइजन टाइप है। ये देखो यहाँ पे अपना पिजियोट है, पिजियोट को फटफट लेते हैं अपने साथ और लेके चलते। पिजियोट को कुछ नाम नहीं देना है, पिजियोट को पिजियोट ही नाम में रहने दे,
पिजियोट को लेते फटाफट और चलते अपना। मैंने तो पहले पिजियोट ले लो। ये कहाँ है कैटपी? कैटपी मेरे ख्याल से ऊपर साइड है ना गाइस, ऊपर साइड ही रहते ना कैटपी। शिट, फिर से एक पोकेमोन रेंडर हो गया। ये तो पिजिए रहने दो, इसको छोड़ दे दे, इसको कुछ नहीं करेगा। पिजियोट तो ऐसे ही मार दिया गस्ट अटैक में। चलो चलते हैं अपन, ढूंढते हैं कैटपी को। कैटपी पकड़ने का है, कैटपी पकड़ने के बाद फिर ये फॉरेस्ट क्रॉस करना है। फिर एक पोकेमोन रेंडर हो गया यार। वीडल आया फिर से, इस हट जाओ, रन कर लेते। अपने को पहले ढूंढने का है कैटपी को, उसके बाद ही लड़ेंगे अपन आज गाइस। ढूंढते हैं कहाँ पे है कैटपी, कहाँ है कहाँ है। यहाँ से तो अपन गुज्जे, यहाँ से तो अपन विरिडियन सिटी खत्म हो जाएगी। फिर से रेंडर हो गया यार, क्या है ये जबरदस्ती पोकेमोन आ रहे। पिजी मेरे ख्याल से ऐसे ये सब ना आए तो इसके लिए रैपल रखती ना, रैपल रैपल पिएगा तो फिर पोकेमोन नहीं आ देना, इनकाउंटर नहीं आ देना पोकेमोन का रैपल पीने पे। देखो गाइस वहाँ पे एक पॉकेबॉल था, मैं रैपल पी के देखता हूँ क्या होता है अगली बार। लोग को तो छोड़ूंगा नहीं रैपल खरीद के। गाइस एक बार मिल जाए कैटपी फिर अपन चल जाएंगे फॉरेस्ट से। ये बार बार जो इनकाउंटर हो रहे ये परेशान नहीं हो गए अपन। अभी ढूंढते हैं कैटपी कहाँ है। मेरे ख्याल से तो वो है लेफ्ट में या राइट में, मेरे ख्याल से राइट में ऊपर साइड है। ऊपर साइड जाके देखते, यहाँ से तो अभी गए थे अपन, वो साइड जाना ऊपर। नहीं ऊपर मेरे ख्याल से नहीं है ऊपर, शिट लड़ना पड़ेगा इससे। चलो फटफट मैच कर लेते अपनी। इसके पास क्या है देखते, इसके पास तो कैटपी है, ये तो ऐसे ही मर जाएगा। इसको एक गस्ट अटैक दे मर जाएगा, क्विक अटैक दे के देखते। पर क्विक अटैक से ठीक डैमेज हुआ, तभी बेकार नहीं था। बट अटैक देते हैं गोरे का पुन, क्विक नहीं गस्ट दे गए इस बार और ख़त्म। ये ख़त्म एकदम। अब कौन सा है दूसरा पोकेमोन, चलो देखते हैं गाइस इसका दूसरा पोकेमोन कौन सा है। फिर से कैटपी है, क्या बात हुई यार। इसको तो भाई इसने टैकल दे दिया, इसको गश्त दे के पम कर देंगे खत्म। 1 HP बचा है, ख़त्म नहीं हुआ। एक और गश्त दे के फिर से टैकल, ये गश्त दे के ख़त्म, ये गश्त अटैक लेके ख़त्म हो गया कैटपी। चलो अपन अपना कैटेपी ढूंढने चलते हैं, अपने को अपना कैटेपी कहाँ मिलेगा गाइस। मेरे ख्याल से एक ही जगह बची लेफ्ट में जो नीचे ना, अपन वहीं पे ही नहीं गए, वहाँ पे जाके एक बार चेक करता हूँ गाइस। वहाँ पे हो सकता है मेरे ख्याल से कैटेपी। यहाँ से जाऊँगा फिर कोई इनकाउंटर ना हो जाए, बस नहीं हुआ। चलो अच्छा है, यहीं पर ही लेफ्ट में नीचे साइड नहीं गया होगा इसमें, वहीं पर ही है मेरे ख्याल से कैटेपी तो। हाँ यहाँ पे है, हाँ यहीं पे ही है कैटपी अपना। चलो फटफट कैटपी को लेके चलते साथ में। कैटपी को कोई भी निकनेम नहीं देना है। चलो कैटपी को ले लिए है, अब लेके चलते कैटपी को साथ में। अब चलते हैं ये फॉरेस्ट से बाहर फटाफट। वैसे ही एपिसोड 14 मिनट का लंबा हो चुका है, और ज़्यादा मेरे को लंबा खींचने का मन नहीं है, फिर भी देखते कितना होता है लंबा। चलो चलते हैं अब ये फॉरेस्ट से बाहर। यहाँ से गए कोई इनकाउंटर, शिट यार कितने इनकाउंटर हो रहे लोग। बीटरल ये तो ऐश का दुश्मन है जानी, इससे तो लड़ूंगा ही नहीं भाई, रन करके चले जाता हूँ। कोई ना हो जाए फटफट चले जाता हूँ। अरे फिर हो गया यार वीडल, इन लोग दोनों तो बहुत, इन लोग दोनों ने बस वीडल तो बहुत ही इनकाउंटर हो रहा है, परेशान कर दिया इसने। चलो अपन चलते हैं सीधा, पर वहाँ पे अपन ने गाइस पॉकेबॉल लेके थे ना, वो ले लेते, हो सकता है एक और एक एंटीडोट मिल जाए तो अच्छा रहेगा।
पॉइजन वाला, फिर अपने को एक पोकेमोन ठीक कर पाएगा अगर पॉइजन लग गया दो बार। फटफट जाके ले लेते। शिट यार, इधर एक और फाइट करनी पड़ेगी। लालच, लालच करूँगा तो यही होगा। लालच करने की वजह से अपने को फाइट करना पड़ी इससे। इसके पास क्या है? नल्ला पोकेमोन है, इसी गस्ट अटैक में जाएगा। एक गस्ट अटैक में या क्विक में, ये तो गस्ट में ही चल जाएगा पर। हाँ चल दिया गस्ट अटैक में, ख़त्म फिनिश। एक ही गस्ट अटैक में ख़त्म हो गया। तो चलो चलते फटफट आगे और पकड़ते कोई। पकड़ते तो नहीं, ये दूसरा पोकेमोन ये फॉरेस्ट पहले क्रॉस करते, उसके बाद में सोचूंगा कुछ पकड़ने का। पग एकदम, इतने पोकेमोन एनकाउंटर देख देख के। पोशन मिला है इसके अंदर, चलो ठीक है, पोशन भी ठीक ही है। 200 रुपये बच गए। 200 की आती है फिर से एनकाउंटर। इस बार फास्ट कर दिया मैंने आपके लिए। बस इनकाउंटर देख देख के परेशान हो गया हूँ मैं भी, आप भी परेशान हो गए रहेगा, इसलिए फास्ट कर दिया मैंने थोड़ा सा। चलो अब स्लो कर देते। अब ये बस ये इससे एक बार लड़ लो। इसके पास मेरे ख्याल से पिंसर रहता है, इससे लड़ लेंगे फिर निकल जाएंगे फॉरेस्ट से बाहर। इसके पास ही मैं रहते ना पिंसर, इसके पास ही रहते हैं ना। हाँ इसके पास ही रहते मेरे ख्याल से। हाँ इसके पास ही रहते पिंसर। इसको देते हैं गस्ट। टैकल दे दिया इसने तो गस्ट। आदि एक और गस्ट में चल गया एकदम आराम से, दूसरे गस्ट अटैक में मर जाएगा। फिर से टैकल, गस्ट अटैक गया। ये तो पिंसर है ही, दूसरा पोकेमोन भी मेरे ख्याल से पिंसर है या फिर कैटरपी या मेटापॉट। नहीं मेटापॉट है, हाँ मेटापॉट है इसका दूसरा पोकेमोन, मेटापॉट है कन्फर्म, मेटापॉट ही है। पोकेमोन चेंज नहीं करना है, देख लेते हैं। वैसे भी सब नल्ले पोकेमोन है, मेटापॉट है। चलो कैटरपी से देखते हैं क्या होगा, कैटरपी क्या कर सकते हैं मेटापॉट के साथ। वैसे तो कैटरपी है ही नल्ला, उसके पास मेरे ख्याल से टैकल अटैक है और स्टिंग शॉट है। जब तक के बटरफ्री नहीं बनते ना, जब तक के इतने काम का नहीं है, जब तक के अच्छा है ही नहीं। टैकल कितनी सी हेल्थ गई है, इससे अच्छा मैं मेरी पेजियोट से ही कर दूँ। गस्ट अटैक करे ख़त्म इसको। एक और एक टैकल देता हूँ और फिर अभी पेजियोट लेता हूँ और इसको ख़त्म करता हूँ। इससे तो भाई सालों लग जाएंगे ऐसे तो। फटफट लेता हूँ मैं मेरा पेजियोट, पिजियोटो लेता हूँ फटफट। और एक गस्ट अटैक देके मेटापॉट को भी ख़त्म करता हूँ। डिफेंस यूज़ कर रहे हैं मेटापॉट अपन, फटफट गस्ट करते और कर देते मेटापॉट को ख़त्म। मेटापॉट हो गया एकदम आराम से ख़त्म। अब बस अपन को फाइट एग्जिट करके फॉरेस्ट से एग्जिट करना है। ओके लेवल अप हुआ क्या मेरा? हाँ लेवल अप हुआ मेरा पीजीओटो तो 11 लेवल का हो गया, मैंने देखा ही नहीं। और भी दूसरे पोकेमोन का लेवल अप हुआ रहेगा, मैं आपको सेकेंड एपिसोड में दिखाऊंगा सबका लेवल कितना बड़ा। रूट 2 पे आ गए अपन, प्यूटर सिटी में आ गए अपन। चलो फटफट पोकेमोन सेंटर चलते और पोकेमोन को हील कर आते। और गाइस मेरा इससे ज़्यादा लंबा खींचने की हिम्मत नहीं है एपिसोड को। अगले एपिसोड में अपन लड़ेंगे ब्रॉक से, ब्रॉक को हराएंगे और लेंगे अपना बैच, स्टोन बैच रहते हैं मेरे ख्याल से उसका नाम। लेंगे अपन अपना स्टोन बैच, फटफट पोकेमोन को कर लेते हैं हील। और यहाँ से गेम अपन अभी आगे जाके फटफट सेव करेंगे। और गाइस आप प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर जो करना है वो करो, ज़बरदस्ती है हाँ तो करना ही पड़ेगा। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त ना कोई हो जितना पकड़।